नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे हमारे घर में, सभी घरों में बल्कि तो दीपावली की सफाई की तैयारियाँ चल रही, सफाई हो रही है, मतलब तैयारियाँ नहीं। और हम लोग काफ़ी दिन पहले से लगे हुए थे मतलब साफ सफाई में ही। तो देखिए हमारा घर तो ना, अब मैं आज ब्लॉग में देखी तो खुद ही बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि वाओ ऐसा। तो ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, बल्कि हाँ आज देखिए घर कितना अच्छा लग रहा है। पीला पीला रंग, हरे रंग से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये जिस पे बिस्तर इस्तर बिछे हैं ना, ये थोड़ा सा अलग ही रंग इसमें भी दे रहा है, जिसके कारण सुंदर दिख रहा है। तो पक्का रूम है लेकिन फिर भी ना धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो आज मैंने खटोली के उस तरफ से भी कोने कोने से झाड़ दिया है। अब ये है कि 2 दिन बिल्कुल साफ सुथरा बना रहेगा, और पोछा मार देती हूँ अगर तो 2 दिन बिल्कुल साफ सुथरा बना रहता है। तो खटोली के नीचे नीचे से बिल्कुल सफाई कर दी है मैंने, बिस्तर वगैरह मैंने झाड़ के दोबारा से लगा दिए हैं। अब आ गई थी दोस्तों इस तरफ, तो इस तरफ ज़्यादा सामान तो है नहीं, कम ही सामान है बस। पूरे में झाड़ू लगा दूंगी और जल्दी से झाड़ू लग जाता है इस वाले कमरे में, बल्कि दुकान वाले कमरे में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इतने ज़्यादा सामान है ना कि वहाँ पे लिपाई करने में डर लग रहा है। लिपाई बिल्कुल ख़राब हो गई है वहाँ की, लेकिन सामान इतना ज़्यादा है कि लिपाई करने में डर लग रहा है कि कम से कम 2 या 2 घंटा तो लग ही जाएगा अगर ढंग से लिपाई करी जाए सारे सामान को उठा उठा के। तो रोज डेली बच रही हूँ दुकान की लिपाई से, लेकिन कल देखो कल शायद दुकान की लिपाई कर ही दूँ अगर आज तक के पापा खाली रहेंगे तो। तो अब आ गई थी दोस्तों यहाँ पे भी, जैसे कमरे की सफाई कर दी ना, तो सोची कि यहाँ पे भी बाहर में भी सफाई कर दी। तो पूरे यहाँ पे झाड़ू आस्था ने लगा दी थी और पोछा मैं लगा दूंगी, क्योंकि फर्श बिल्कुल कैसा सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है, पोछा लगा दूंगी। तो पोछा लगाने लगी उससे पहले मुझे लगा कि चलो चूल्हा पहले साफ कर देते हैं, वरना पोछा लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, वैसे ही दिखेगा एकदम धूल धूल जैसा, राख उड़ती रहती है उसके कारण गंदगी फैलती रहती है। तो यहाँ पे चूल्हे की पुताई कर दे रही हूँ अच्छी तरीके से, पूरा राख आख मैंने हटा दिया, बल्कि राख गर्म ही थी अभी, हटा दिया है राख को और चूल्हे की लिपाई कर दे रही। दोस्तों अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो आज मेरे चैनल में नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास आते रहें, आप सभी को मिलते रहें। पुताई हो गई थी दोस्तों चूल्हे की, और थोड़ा सा ना मैंने वहाँ तक पुताई कर दिया था, क्योंकि मिट्टी शुद्ध होता है और कभी कभी रोटी वगैरह फटकते समय ना नीचे धरती की तरफ गिर जाती है, तो मिट्टी शुद्ध होता है इसके कारण वहाँ तक मैंने पुताई कर दिया है। और अब लगा दूंगी दोस्तों यहाँ पे पूरे ही किचन के जगह पे पोछा। तो अब दोस्तों आज करनी है पूरे ही घर के बाहर, घर के अंदर तो कलर हो गया, घर के बाहर अभी सिर्फ गोबर ही फिरा है और पीली मिट्टी से पुताई करना बाकी है। आप सभी लोग देख ही रहे हैं ब्लॉग में, कल मैंने बाहर एक दीवार के इधर कर दी थी गोबर से लिपाई, और आज मिट्टी से पुताई करनी है पीली मिट्टी से। ये पीली मिट्टी ना लाई जाती है दूर दूर से खोद के, जो धरती का जो नीचे वाला लेयर है ना वहाँ पे ये मिट्टी मिल जाती है। इस बार मिट्टी बाहर से नहीं लानी पड़ी थी, अम्मा का जो बाथरूम बना था ना तो उसी में से खुदाई हुई थी, तो ये मिट्टी पीली वाली निकल आई थी। तो जहाँ तहाँ कहीं कहीं पीली वाली मिट्टी निकलती है, बाकी जगहों में पीली मिट्टी नहीं निकलती। तो उसी समय भर के हमने रख लिया था 2 बोरी, तो 1 बोरी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, आज के दिन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। पूरी बोरी हमने निकाल ली है और 2 बाल्टी में घोल दिया, एक तो बाल्टी में घोल दिया, एक इस तसले में भर दे रहे हैं, और मतलब पानी में थोड़ा सा घोल देंगे, थोड़ी देर छोड़ भी देंगे इसे, थोड़ा मिट्टी फूल जाएगा और पूरे पानी में मिक्स हो जाएगा, उसके बाद दीवारों पे हम इसे लगाएंगे। तो जैसा कलर का अभी दिख रहा है ना बिल्कुल ऐसा ही कलर का दिखने लगेगा, फीका फीका कलर का, तो इस पर रंग आसानी से चढ़ जाता है।
दोस्तों सबसे पहले ना आ गए हैं दरवाजे के इधर, हमारा जो फाटक है मेन फाटक। तो एक दिन एक कमेंट आया था, क्या आपके इसी फाटक से ही पूरा गांव शुरू होता है? तो आज मैं जवाब देना चाहूँगी, नहीं, इस फाटक से सिर्फ हमारे घर परिवार के लोग इस फाटक के अंदर रहते हैं। हाँ, मैं आपको आगे दिखाऊँगी। जैसे ये फर्स्ट हमारा घर हो गया, और गली के इस तरफ अम्मा पापा का घर हो गया, फिर आगे की तरफ चाचा चाची जी का घर हो गया, फिर बड़े चाचा चाची जी, मतलब इसी तरीके से सभी लोगों का घर इस फाटक के अंदर है। वैसे तो हमें पुताई करनी थी उधर की तरफ से, चाची जी का घर जहाँ पे है वहाँ से करनी थी, लेकिन मैंने कहा कि अभी यहाँ पे छाया है, अगर हम अभी यहाँ पुताई कर देंगे तो ठंडे ठंडे में पुताई हो जाएगी, वरना अगर वहाँ से शुरू करेंगे तो अभी वहाँ पर धूप भी है और फिर यहाँ पर भी धूप आ जाएगा, तो इसीलिए पहले हम यहाँ पर पुताई कर देते हैं और यहाँ पर अभी छाया है और पुताई हो जाएगी। लेकिन ये ना मेन लोग भी यहाँ से आते जाते रहते हैं बाहर की तरफ से, जो फाटक लगा है वो भी सिर्फ सरियों वाला लगा है, एकदम आर पार सब दिखाई दे। सबसे पहले ना यहाँ पे आस्था के पापा लग गए हैं पुताई करने, क्योंकि बाहर पड़ता है ये। तो अब दोस्तों देखिए, ये जो कच्ची हमारी दीवार है ना, मिट्टी की कच्ची दीवार, इसके पीछे ही तुलसी घड़ुआ लग रखा है, और नर्दा भी जो है हमारा वॉशरूम, वो भी यहीं पे बाथरूम बन रखा है। तो अब हम दोनों लग गए हैं इस दीवार को पुताई करने में। ये जितनी दीवार कच्ची है, इसका जो आगे है वो भी इतनी ही कच्ची दीवार है बिल्कुल। और ये अपने हाथों से उठाई हुई दीवार है, आस्था के पापा ने खुद ही अपने हाथों से उठाई थी, और हम दोनों ने मिल के मतलब इस दीवार को बनाया था। जब हम लोग अलग हुए थे तब ये वाली दीवार नहीं थी, बस हमें घर मिले थे दो घर, एक वो घर जो आपको सामने खपरों वाला दिख रहा है वो, और एक जो दुकान अभी आस्था के पापा लिपाई कर रहे थे वो, और बीच में दीवार बिल्कुल नहीं थी, मतलब आते जाते लोग बिल्कुल मतलब देख पाते थे घर में, हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं बिल्कुल खुले में था घर, तो उस कारण से ना ये फिर दीवार हम दोनों ने मिलकर उठाई थी ताकि छिक जाए बीच से और अंदर हो जाए, मतलब कमरा हमारा अच्छा लगने लगे थोड़ा सा। और बीच में लगा दिया था हमने गेट आने जाने के लिए, पहले दुकान की तरफ से जो गेट है वो गेट नहीं था, ये गेट हमने लगाया था जब ये दीवार उठाई थी तब आने जाने के लिए गेट लगा दिया था। तो दोस्तों ये दीवार हमने ना लॉकडाउन के समय में बनाई थी, जब हम शहर से गांव आ गए थे तब जाके ये वाली दीवार हमने बनाई थी। हर साल इसी तरीके से इस पे पहले गोबर से गुबरना पड़ता है, उसके बाद पीली मिट्टी से पूरे ही दीवारों में पुताई करनी होती है, उसके बाद होता है कलर, जब जाके पूरा घर सुंदर दिखने लग जाता है। तो ना घर में और जो सभी लोग हैं उन सब की तो मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है कच्चे घर, और ना ही उन्हें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारा ये मतलब ये जो इतनी लंबी दीवार पड़ जाती है इसी में मेहनत करने में ज़्यादा हो जाता है टाइम। पहले जो भी बारिश हो जाए, बारिश के दौरान जो भी गिर जाए मिट्टी उसे छापो, फिर गोबर से लिपो, फिर पीली मिट्टी से लिपो, फिर जाके कलर करो, तो बहुत ज़्यादा हमें मेहनत पड़ जाता है। और सभी लोगों के जो बाहर बाहर की बाउंड्री की दीवारें हैं वो पक्की हैं, इसलिए उनको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। Thank you.
नहीं हमने खुले कि वहां से गेट के पास से ना वहां से लेके यहाँ तक पूरा ये बहुत बदमाश है, मेरे को डरा दिया। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सा ये वाला दीवाल है ना सूख गया है और वो वाला दीवाल गीला है। अभी हमारी उस अटारी का ये पूरा दीवाल पोतना है मट्टी से, और चाची जी का ये वाला दरवाजा। तो दोस्तों इसी तरीके से कुछ घर है सभी लोगों का, और फाटक उस तरफ था, मैंने आपको दिखाया पहले, ये जो गली है उस तरफ बिल्कुल कोने में। उसके बाद ये चाचा चाची जी का घर हो गया, उसके बाद ये फिर बड़े चाचा चाची जी का घर, मतलब इस तरीके से फाटक के अंदर सभी लोगों का घर है। तो अब आस्था के पापा लग गए हैं चाची जी के घर की दीवार की पुताई करने में, और मतलब ये फ्रंट फ्रंट का ही पड़ता है इतना ही सा, तो पुताई कर दे रहे हैं, चबूतरों की पुताई कर दे रहे हैं जो उस दिन हमने बनाए थे, आप सभी ने देखा होगा ब्लॉग में। और अब इनको गुस्सा आ रहा है क्योंकि धूप में काम करना पड़ रहा है ना, तो धूप था इसी वजह से पहले हमने छाया का काम कर लिया था, और देखिए यहाँ पे अभी भी इतनी तेज की धूप है, तो इन्हें गुस्सा आने लगा है, काम करते करते पसीने भी बहुत आ रहे हैं। लेकिन बस अब पूरी पुताई निपट गई है, चाची जी का भी घर हो गया रिपेयरिंग पूरा। बस हमारे ही जो टीवी वाला कमरा है जहाँ सबसे पहले झाड़ू लगा रही थी सुबह मैं, उसी की मतलब इस तरफ का है, बाहर की तरफ से दीवार है ये, तो इसको मैं पुताई कर दे रही हूँ। और सीढ़ी लगा लेंगे आस्था के पापा, तो ऊपर की तरफ उन्हें करनी है पुताई, नीचे नीचे मैं कर दे रही हूँ पुताई, और ऊपर की तरफ आस्था के पापा करेंगे काम। लेकिन दोस्तों ना बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है इन सब कामों को करने में। बाहर लोग आएंगी जाएंगी, हंसी मजाक होगा, कहेंगे देखो ये वीडियो बना रहे हैं पुताई करते हुए, और मतलब हंसी मजाक होता ही रहेगा। बच्चे ने पटाखा फोड़ दिया था तो मैं बिल्कुल डर गई थी, एकदम से कैमरा टेढ़ा हो गया था। अब हम बाहर काम करते हैं ना, तो हंसी मजाक करते करते पूरा काम हो जाता है। और अब देखिए दोस्त, दीवार ना सूख गई है, सूखने के बाद ना पीला कलर बन गई है, पहले डार्क ब्राउन दिख रहा है और जैसे जैसे सूखती जा रही है ना तो पीले रंग में तब्दील होती जा रही है। तो दोस्तों अब देखिए आखिर में ना आस्था के पापा चढ़ गए हैं बिल्कुल सीढ़ियों के ऊपर, और ऊपर ऊपर की पुताई कर दे रहे हैं, इस तरफ कर दिया, अब इन्होंने सीढ़ी इस तरफ करी है और इस तरफ भी पूरी पुताई फाइनली हो गई। और हमने सोच रखा था कि आज ही के आज ही पूरी पुताई निपटानी है, और अगला दिन जब भी कलर करेंगे तो यहाँ से लेके वहाँ तक फाटक तक कलर कर देंगे पूरे में एक ही कलर से। वही तो, और ये जो पीछे की तरफ दिख रहा है ना जहाँ पे दो लकड़ी सी निकली हुई दिख रही है, यहाँ पे मैंने पुताई कर दी थी। तो अब बस एक बार और, तो बाहर की पूरी पुताई निपट गई है, और पूरे ही मतलब वहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक, और ये जो एक कमरा है इसका भी पीछे की तरफ से सारा ही पुताई हो गया है। चाची जी का दरवाजा भी पुताई हो गया है, और देखिए कपड़े कैसे गंदे हुए हैं बिल्कुल, ये पूरे मुंह में छींटे आए हैं। अब बाल आल धो के नहाऊंगी, तेल भी क्योंकि लगाया था, कल सिर में दर्द हो रहा था तो आज बालों को धो के नहा लूंगी। काम हो ही गया है, दोपहर का समय हो गया। तो दोस्तों अब आ गई थी नहा धो के, और घर के सारे काम हो चुके हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।